15 to 25 रुपीज ऐसे है, आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन, बिल्कुल रियल लाइफ प्रॉब्लम है, देखो सीधी सी बात है, और रियल लाइफ प्रॉब्लम में वही जैसे हम टैक्सी चार्जेस इन सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज, हमारा जो टैक्सी चार्ज है उसमें एक तो फिक्स चार्ज इन्वॉल्व होता है, अभी हम देखेंगे कि क्या होता है फिक्स चार्ज रियल लाइफ में होता है नहीं होता है, और विद द चार्ज, और फिर हमारे पास चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, कितना आपने डिस्टेंस किया है चार्ज, ठीक है, फॉर द डिस्टेंस कवर, तो ये दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो बाद में क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले तो इसी को देखते हैं रियल लाइफ में एक्चुअली क्या होता है। अगर आपने बेटे कभी भी ऑटो या टैक्सी वो किया होगा, तो जैसे ही वो आप बैठते हो वो मीटर डाउन करते हैं, ठीक है, अगर वो मीटर डाउन करते हैं बेटे तो वो कभी भी जीरो से रीडिंग स्टार्ट नहीं होती है, अक्सर आप देखेंगे तो वहां पे 10 रुपीज, 12 रुपीज, 16 रुपीज समथिंग कुछ होता है, ठीक है, तो दैट इज सर्विस चार्जेस। नाइट चार्ज कुछ और डिफरेंट हो जाते हैं अगर आपने कभी नाइट चार्ज यूज किया हो, ठीक है, ओला उबर करेंगे तो उसमें भी अलग से आएगा, तो ये हमारे सर्विस चार्ज हैं। तो इसके बाद शाबाश, उसके बाद में हमारे पास होता है कि सर आप बैठ जाइए, 16 रुपीज तो ये ऐड होने, प्लस हमारा जो मीटर है वो 8 रुपीज पर किलोमीटर काम करता है, हर किलोमीटर पे 8 रुपीज चेंज होगा, तो मान लीजिए आप गए 10 किलोमीटर, तो ठीक है सर 10 किलोमीटर के 8 रुपीज के हिसाब से पेमेंट कर दीजिए, तो एक तो पेमेंट हुआ बेटे आप लोगों का, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, और प्लस उसमें 16 तो जोड़ी दीजिए, आप चाहे 1 किलोमीटर गए हो चाहे 10 किलोमीटर गए हो, कुछ समझ में आया या नहीं आया? यस सर आ गया। वन इज इसपे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं इसलिए इस अकेले को नहीं बात कर रहा हूँ, अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 3 क्वेश्चन है आपके पास इसमें, तो मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि ये आगे भी आएगा क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या होता है, ये होता है, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ बेटे, मैं कह रहा हूँ नहीं सर हम तो 20 किलोमीटर गए, तो अगर 20 किलोमीटर आप सफर करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, 16 आपको देना ही देना है, 8 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से 20 किलोमीटर का चार्ज देना है, यस सर नो, सब बच्चे बताइए। यस सर। अगर आप 10 किलोमीटर गए हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर 20 किलोमीटर गए हैं तो 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यस। अब मैं आपसे कह रहा हूँ नंबर्स की जगह मैं आपको क्वेश्चन यहीं पे खत्म कर दे रहा हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई हमारा जो फिक्स चार्ज है, सब बच्चे प्लीज ध्यान से, एक साथ 3 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे बेटे अभी, हमारा अगर फिक्स चार्ज एक्स रुपीज है जो आपको उसमें ऑटो में टैक्सी में बैठते ही देना ही देना है, ठीक है, और चार्ज पर किलोमीटर जो आपका डिस्टेंस कवर हो रहा है उसपे कह रहा है वाई रुपीज पर किलोमीटर है, अब मैं आपसे कहने लगू बताओ 20 किलोमीटर का टोटल चार्ज क्या होगा, x प्लस 20y, बाकी सब बच्चे भी आपका जो x है वो तो लगना ही लगना है, 1 किलोमीटर का y है तो 20 किलोमीटर का कितना होगा 20y, सब बच्चों को बात समझ में आ रही है ये, अगर अगर मैं आपसे कहूं नहीं सर हमने तो 30 किलोमीटर गए थे तो 30 किलोमीटर का क्या होगा, x plus 30y, तो ये क्वेश्चंस होते हैं बेटे, तो पहले इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है फिर मैं इसी पे बेस बताता हूँ कि अलग अलग कहाँ कहाँ पे क्वेश्चंस यूज होते हैं। अब देखो कितना इजी हो गया जब अगर आपने इसको x और y को समझ लिया, तो हमारे पास क्या है, पहले हम रफली इक्वेशंस ही बनाएंगे फिर इसके स्टेटमेंट देंगे, देखो जरा सब बच्चे बहुत ही ध्यान से, बहुत सिंपल, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, फिक्स चार्ज विद द चार्ज पर किलोमीटर, हमसे क्या कह, यहां से हमारा बेटे क्वेश्चन शुरू हो रहा है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यहाँ हम रफली लिख लेते हैं कि जो हमारा फिक्स चार्ज है वो हम बेटा एक्स ले रहे हैं और चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड यानी कि पर किलोमीटर वो हम वाई ले रहे हैं, क्वेश्चन हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105, कोई बच्चा मुझे इसकी इक्वेशन बता सकता है, आपका डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, वेरी गुड वेरी गुड बेटे, फॉर 10 किलोमीटर, यस वेरी गुड, आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 10 वाई, बट यहाँ अमाउंट दिया हुआ है 105, तो ये बेटे सिंपल फर्स्ट इक्वेशन आ गई, फिर आपसे कह रहा है फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, ठीक है, इज रुपीज 155, व्हाट विल बी द इक्वेशन,
15 किलोमीटर के लिए y को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है. दोनों इक्वेशन सिंपल बन गई, आप सॉल्व कर लेंगे. x वैसे ही कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर हो रहा है. यस सर. ठीक है, तो ये हमारा होगा. अब मैं बस इतना सा लिख दूं, यहाँ खत्म का नहीं, कुछ करना ही नहीं इस क्वेश्चन. एक ही चीज मेंशन कर दें, लेट यही लिख देते हैं, लेट फिक्स चार्ज x रुपीस एंड चार्ज पर किलोमीटर y रुपीस. इतना सा है तो टोटल चार्ज फॉर 10 किलोमीटर दिस एंड फॉर 15 किलोमीटर दिस. यस सर नो? सब बच्चे बताइए. यस सर. यस सर. ठीक है, समझ में आ गया. इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे सबके सब. सीधा सीधा सा सबट्रैक्ट कर दो बेटे इसे. y 10 आ गया. सीधा बेटे सबट्रैक्ट कर दो इसको, तो आपके पास क्या आएगा बेटे? x कैंसिल, ये हो जाएगा 10 माइनस 15 माइनस 5 बेटे, एंड 105 माइनस 150 माइनस 50 बेटे. माइनस माइनस कैंसिल, 5 से 50 कैंसिल, y इज इक्वल टू 10. 10 रुपीस है ना, 10 रुपीस पर किलोमीटर. पुट इन 1, तो x प्लस 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 100. 105 माइनस 10 100 5 रुपीज. तो फिक्स चार्ज आप, अच्छा प्लीज अब एक चीज और ध्यान रखिए आप सब बच्चे, प्लीज इस चीज को ध्यान रखा कीजिए. एग्जामिनर एक्स और वाई को नहीं जानता और आप एक्स वाई कंसीडर कर रहे हैं. समवन में कंसीडर ए बी सी व्हाट एवर द वेरिएबल नेम. तो यहाँ पे आपको प्लीज मेंशन करना है बेटे कि एक्स है मेरा फिक्स चार्ज, एक्स 5 रुपीज, और वाई है मेरा चार्ज पर किलोमीटर. 255 आ जाएगा आंसर. ठीक है बेटे, ये हमारे पास है. अच्छा आंसर, अच्छा क्वेश्चन में हाँ एक चीज और दे रहा है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ए ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस. तो ना हमें ये चार्ज पर किलोमीटर ना फिक्स चार्ज बताना था, हमें तो एक्स वाई का ही निकाल के, तो इसकी फिर हमें जरूरत ही नहीं, हटाओ इसको भी. अदरवाइज ये ही लिखना था. तो हमारे पास क्या लिखना, हमारा क्वेश्चन तो ये है, टोटल चार्ज फोर हाउ मेनी किलोमीटर्स? 25 किलोमीटर्स. 255. इक्वेशन बनेगी बेटे x प्लस 25y. x मेरा 5 आया है, y मेरा 10 आया है, 250 प्लस 5 इज 255. ये हमारे पास बने. अब जरा देखो, चलो ये तो हमारा यहाँ क्वेश्चन हो गया. ठीक है, अब एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आप खुद करेंगे.